जबानी रहमत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह भी आ रहे थे कूफा से बगदाद की तरफ, तो रास्ते में काफर लोग इकट्ठे हो गए, हम मुसलमानों से मुनाजरा करेंगे। वो इमाम मोहम्मद जिसको मैंने बताया था कि इमाम रिपर के पास आए कि इसको दाखिल कर ले, 6 माह उम्र है, 6 साल। उनका जी ये तो बच्चा पहले हाफज होगा तो फिर करेंगे, तो ले गए चले गए, 6 दिन फिर लेके आ गए। मैंने आपको समझाया ये अपने जामिया में उस बच्चे को दाखिल करते हैं जो सबसे पहले कुरान पाक का हिफ्ज हो, हाफिज हो, फिर करते हैं। अब मैं सुनो तो सही, तो 6 दिन में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह को पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर दिया। और जब वो आ रहे थे उन्होंने इमाम शबैन को बात फरमाते आगे चले कूफा के वापस बगदाद की तरफ आ रहे। लोगों ने काफिरों ने खड़े होकर 50 के करीब लोग थे आगे कहने लगे हम तो फिर मुसलमान मुनाजरा करेंगे, ये जो कहते हैं मुसलमान सच्चे हैं आज मुनाजरा करेंगे। क्या हुआ जब वो करीब आए इमाम शबैन फरमाते मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अपने घोड़े पर सवार थे, साथ आपके मुरीदीन भी थे, और ऐसे फरमा रहे अली रजा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी साथ फरमाते ऐसे लोग आपसे प्यार कर रहे थे, घोड़े को भी चूम रहे थे, आपके हाथों को भी चूम रहे थे, आपके पाँव को भी चूम रहे थे, घोड़े के साथ लगने वाली खाक और नाल को भी चूम रहे थे, यहाँ तक जहाँ घोड़ा लगता था उस खाक को भी चूम रहे और लौट लौट हो रहे थे मोहब्बत आले रसूल। जब आए तो वो सारे जिसने सबसे पहले देखा कहता अशहदुल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मान लिया आप तो कहते थे हम मुसलमान हैं, मुनाजरा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो ये क्या हुआ आपने ही आपने तो कलमा पढ़ लिया। आप मान लिया कि बात ये है कि छोटा मोहम्मद इतना खूबसूरत है, बड़े मोहम्मद कितने खूबसूरत है, मैं तो चेहरे देखकर मुसलमान हो गया।